हेलो स्टूडेंट्स आइए हम लोग अपना आज देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एम सी क्यू मैराथन पार्ट वन इसके पहले हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग वेब टेक्नोलॉजी का मैराथन पार्ट वन देख लिया है और वेब टेक्नोलॉजी का मैराथन पार्ट टू भी आ चुका है कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैराथन आ चुका है तो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप प्रिपेयर कीजिए उसको और लास्ट में कुछ क्वेश्चन होता है जैसा कि हमारे मैराथन का यही रोल है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अमृतराज ने सही आंसर दिया है कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट वन का भी अमृतराज ने सही आंसर दिया है और अभि कुमार ने कंप्यूटर नेटवर्क का सही सही जवाब दिया है और सागर सरकार ने क्लाउड कंप्यूटिंग का सही आंसर दिया है तो जो स्टूडेंट्स अभी डेटा स्ट्रक्चर का देख रहे हैं वो फटाफट से लास्ट में जो क्वेश्चन या बीच में जो क्वेश्चन किए गए हैं उसको कमेंट आउट कीजिएगा और

वापस से जहां पे स्टॉप किया है वहां से पीछे की तरफ अ कैलकुलेट करते चला जाता है जैसे कि फैक्टोरियल अगर हम लोग को निकालना है तो भी हम लोग रिकर्सन का यूज करते हैं वो एक एग्जांपल है इसका दस इन रिकर्सन लास्ट फंक्शन इज कॉल्ड नीड्स टू बी कम्पलीटेड फर्स्ट मतलब जो लास्ट में इंटर करेगा रिजल्ट वो सबसे पहले निकलेगा हो वेल्युएट होगा इवेल्युएट होगा तो इस तरीके से नाउ स्टैक इज अफो डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है तो ये जो है हमारा रिकर्सन में यूज होगा पहले जो एंटर करेगा वो बाद में निकलेगा और जो बाद में क्योंकि इसका रास्ता एक ही होता है निकलने का तो इसी पैटर्न को फॉलो करता है रिकर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एवियल ट्री एंड एवियल ट्री डिफाइंस एज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री टोटल नंबर ऑफ नोट इन द्री या फिर इसमें से हर हर कोई तो आप पहले ब्रेक करके आपको आंसर देना है फिर एक्सप्लेशन देखना है इसका आंसर चारों होगा क्योंकि एक एन एव एंड एवियल ट्री डिफाइंड एज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइंड्री सस्ट्री ये खुद को बैलेंस करते चला जाता है इस खुद को सेफ सेल्फ बैलेंस करता है जब इसका लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो हाइट बैलेंस है वो वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसका डिफरेंस वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर ज़्यादा होता है तो एवियल ट्री फिर अपने ट्री को रीअरेंज करता है और उसका हाइट सही करता है और सब ट्री सही से फॉर्म करता है तो देखिए जिस तरीके से क्या है ना कि ये क्या करेगा ये लेफ्ट सबट्री और राइट right सबट्री का डिफरेंस देखेगा और यहाँ पे कैलकुलेट करेगा अगर वन से ज्यादा है माइनस वन जीरो वन के वैल्यू से डिफरेंस है यहाँ पर देखिए गेट करेगा यहाँ पे क्या है लार्जेस्ट जो है वन एक ही है एक ही एज है यहाँ पर दो एज है तो वन माइनस टू माइनस वन हो रहा है यहाँ पर क्या है वन है वन है तो जीरो हो जा रहा है तो क्या कर रहा है यहाँ पर क्या है हमारा एक दो तीन सबसे लार्जेस्ट जो है वो थ्री है और यहाँ पर क्या है दो है थ्री माइनस टू वन तो ये एवियल ट्री है मतलब कि ये बैलेंस करके खुद को चल रहा है हर नोट का डिफरेंस आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं है वन से नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सर्कुलरली लिंक लिस्ट इज यूज टू प्रेजेंट अ रिप्रेजेंट अ क्यू मतलब एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम लोग यूज करेंगे क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है उसमें क्या होगा कि हमको एक एक p वेरिएबल को कहीं इंडिकेट करना है तो क्यों के कौन से ऐसे पॉइंट पे इंडिकेट करेंगे जो हमको nq और dq मतलब हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों सेम पॉइंट पे हो जाए वो भी कांस्टेंट टाइम में ठीक है क्वेश्चन पढ़िए यही बोल रहा है तो आप अगर फ्रंट एंड पे हिट करोगे तो क्या आप फ्रंट ऑन रेयर दोनों को आप ओवन टाइम में कांस्टेंट टाइम में फाइंड आउट कर सकते हो या रियर इंड पे करोगे तो या फिर पॉसिबल ही नहीं है सिंगल पॉइंटर के थ्रू या फ्रंट एंड के जो नेक्स्ट है उसको करोगे इसका आंसर कीजिए उसके बाद मैच कराइए एक्सप्लानशन से एक्सप्लेनेशन है कि वी कैन नॉट गेट रेयर फ्रॉम फ्रंट मतलब अगर हम लोग रेयर पॉइंट पे और फ्रंट पे जाना है तो हम लोग कॉन्स्टेंट टाइम में नहीं जा सकते हैं लेकिन अगर हम लोग फ्रंट पे हैं तो रेयर एंड पे कॉन्स्टेंट टाइम पे आ सकते हैं ऐसा ही होता है हमारा क्यों में तो फिर क्या होता है बट पी इज अ अर वी कैन इंप्लीमेंट बोथ इन क्यू एंड डी क्यू हम लोग इनक्यू और डी क्यू ऑर्डर ऑफ वन टाइम में कर सकते हैं बिकॉज रेयर वी कैन गेट फ्रंट एंड ऑर्डर ऑफ वन टाइम तो इसका आंसर क्या होगा रेयर नोड आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट इज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्च इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन अ जनरल बाइनरी सर्च ट्री, जनरली बाइनरी सर्च ट्री में सर्च इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बी गो एन फॉर ऑल बी गो लॉग एन लॉग एन फॉर सर्च एंड इंसर्ट एन फॉर डिलीट लॉग एन फॉर सर्च और एन फॉर इंसर्ट एंड डिलीट इसका आंसर आप लोग पहले खुद दो और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आके हम लोग देखते हैं आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं ऑल ऑपरेशन इन बी एस टी बाइंड्री सर्ज ट्री दर्स्टिटी स्पेशल टाइप ऑफ ट्री इन द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड हैज अ वैल्यू लेस देन द दैरेंट एंड राइट सब राइट चाइल्ड हैव द वैल्यू ग्रेटर देन द पेरेंट क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्री है जिसमें आपको यहाँ पे बीच में टू है तो आपका बाइनरी सर्च ट्री का रूल ये है कि आपका जो लेफ्ट नोड होगा वो इससे छोटा होगा नोड से छोटा छोटा होना चाहिए, रूट से छोटा होना चाहिए चलिए वो छोटा हो गया दूसरा रूल ये है कि राइट सब ट्री नोड से बड़ा होना चाहिए तो चलिए ये भी हो गया सिंपल यही रूल था तो इसमें अगर हमको सर्च करना है कि वन कहाँ है तो फॉर सर्चिंग वन हम लोग को तो अगर नोड हमारा टू है तो वी ऑलरेडी नो कि हम लोगों को यहाँ पे जाना होगा मतलब लेफ्ट में जाना होगा राइट right में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका जो स्मॉल uh, है वो लेफ्ट में ही होगा तो हम लोग लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे फॉर सर्चिंग एलिमेंट वन वी n. In general, the time complexity is h where h is the height of the binary search tree. Okay. Next step for inserting element 0, it must be inserted at the left child of 1. Therefore, we need to traverse all the element in order 3, 2, 1 to insert 0 which has the worst case complexity of n. In general, the time complexity is o, h. एच इज़ हाइट ऑफ़ डिलीशन के लिए भी सेम यही चीज़ होगा राइट right? तो हम लोग को ट्राइवर्स करना पड़ेगा अगर मान लीजिए हम लोग को जीरो इंसर्ट करना है तो हम लोग ट्राइवर्स ही करेंगे सर्च ही करेंगे टू को वन को जीरो को फिर तभी हम लोग यहाँ पे इस प्लेस पे एंटर कर सकते हैं तो हमारा आंसर होगा ऑर्डर ऑफ इन आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

नेक्स्ट है डी क्यू तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं डी क्यू का डी क्यू और डबल इंडेड क्यू इज अ टाइप ऑफ क्यू इन इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स कैन आइदर बी परफॉर्म फ्रॉम द फ्रंट एंड और द रियर दस इट डज नॉट फॉलो फीफो रूल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा कुछ भी रूल नहीं है इसमें क्योंकि आप दोनों एंड से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो सी पिक्चर ओके देन द आंसर इज डी क्यू याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर है ग्राफ ट्री एरे या ऑल आप खुद से आंसर करो फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक्सप्लेनेशन है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर द डेटा स्ट्रक्चर इन दिस डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द लीनियर सिक्वेंस ठीक है एरेज एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एक एरे ही ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूस और लीनियर डेटा को स्टोर करता है यहाँ पर देखिए हमारा जो इंडेक्स है जीरो वन टू थ्री होता है मतलब ये लीनियर वे में चीजों को स्टोर करता है तो इसका आंसर होगा थ्री एरे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट इस कोड का क्या आंसर होगा अभी मैंने रिकर्सन बताया है उसी रिकर्सन बेस्ड हमारा क्वेश्चन है कि एक स्टैक हम लोग इनिशियलाइज करते हैं ओके क्वेश्चन समझ लीजिए आंसर आप खुद करोगे हमने पुश किया वन को चलो हमने पुश कर दिया वन को फिर हमने पुश किया टू को चलो ठीक है स्टैक में पुश कर दिया फिर पुश करना है थ्री को उसके बाद ये कह रहा है कि आप फॉर लूप लगाओ और तीनों को तीनों को आप पॉप करो तो एज वी नो लाइक वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन इन स्टैक ओनली इन लाइक ऑर्डर तो इसका आंसर क्या होगा हमारा जिस ऑर्डर में आप डाले हो उस ऑर्डर से आप रिवर्स में निकालोगे जैसे देखो आप एबीसी डाले हो तो सबसे पहले सी को निकालोगे सेम एज लाइक दैट हम लोग थ्री को पहले निकालेंगे फिर टू को निकालेंगे क्योंकि जब ऊपर का खाली ही नहीं होगा तो नीचे का कैसे निकालेंगे तो सही आंसर क्या है वन हमारा वन थ्री टू वन तो करेक्ट आंसर इज थ्री टू वन राइट देन द द नेक्स्ट क्वेश्चन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इज अ काइंड ऑफ अ हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा एल्गोरिथम के बारे में ये कौन से टाइप का एल्गोरिथम है ग्रीडी एल्गोरिथम है सर्चिंग एल्गोरिथम है बोथ है या इसमें से कोई नहीं है आंसर कीजिए आप लोग पॉउ करिए आंसर कीजिए फिर आई एक्सप्लेनेशन पे क्रुस्कल एल्गोरिथम इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री याद रखिएगा ठीक है दैट टेक्स अ ग्राफ एज अ इनपुट एंड फाइंड्स द सबसेट ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ व्हिच फॉर्म अ ट्री दैट इंक्लूड्स एवरी वर्टेक्स हैज द मिनिमम सम ऑफ वेट्स अमंग ऑल द ट्री दैट कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द ग्राफ इसका मेन एम ये होता है कि आपका जो ट्री का जो वैल्यू निकाले वो मिनिमम निकाले लाइक like, वेट uh, जो है जैसे कि अगर इस रूट से इस रूट जाने का हमारा वन uh, है डिस्टेंस और इधर से जाने का दो है तो वो क्या करेगा कि वो ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है और उसको कम से कम वेटेस में uh, पूरा वर्टेक्स को विजिट करने का ट्राई करता है इट फॉल्स अंडर ए क्लास ऑफ एल्गोरिथम कॉल्ड ग्रिडी एल्गोरिथम ओके क्यों करता है टू फाइंड द लोकल ऑप्टिम इन द अ ग्लोबल ऑप्टिम

क्योंकि वो वन में ही विजिट कर जा रहा है तो इस रास्ते से नहीं जाएगा इस रास्ते से जाएगा राइट तो मेन ये क्या कर कर रहा है ये ग्रीडी अप्रोच फॉलो कर रहा है ग्रीडी मतलब क्या होता है इसको ग्रीडी फॉर्म में ले रहा है मतलब कि कम से कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा चीज मुझे चाहिए राइट चलो नेक्स्ट है हमारा इन ए ग्राफ ऑफ एन नोट्स एंड एन, एन एन एजेस क्या है एन नोट्स है और एन एजेस है हाउ मेनी साइकिल्स विल बी प्रेजेंट एट मोस्ट वन एग्जैक्टली वन डिपेंड्स ऑन द ग्राफ या इसमें से कोई नहीं आपके पास नोट्स नोट्स मतलब क्या हुआ दो नोट्स हैं और दो एजेस हो गए ना फिर एन नोट्स हैं और एन एजेस है ले, लेट मान लीजिए हाउ मेनी साइकिल विल बी प्रेजेंट एट मोस्ट वन एक्सैक्टली वन डिपेंड्स ऑन द ग्राफ या न आप ऐसा कुछ भी बना लो चार चार का भी बना लो एक दो तीन, चार दिस 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 एंड दिस राइट तो कितने साइकिल बन रहे हैं इसमें भी हमारे एक ही साइकिल बन रहे हैं इसमें भी हमारे एक ही साइकिल बन रहे हैं राइट एक्सप्लेनेशन देखते हैं ट्री कंटेन्स बाई मतलब अगर अगर आप तीन तीन है, है? ठीक और आपने दो ही एज डाला तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको कहेंगे हम लोग एसाइक्लिक ग्राफ क्योंकि इसमें साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है बट एक और अगर आप दे दो

इन प्रायोरिटी क्यू विच एलिमेंट इज रिमूव फर्स्ट हमारा जो प्रायोरिटी क्यू टाइप का क्यू आता है उसमें आप कौन सा एलिमेंट uh, को सबसे पहले रिमूव करोगे आप, आपको मैं देती हूँ समय आप करो रिमूव आप बताओ कि कौन से प्रायोरिटी क्यू में आप रिमूव करोगे सबसे पहले एलिमेंट को लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा उसको करोगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा उसको करोगे या रैंडमली किसी को भी एलिमेंट कर दोगे या डिपेंड करता है इंप्लीमेंटेशन पे लीजिए समय और इसका आंसर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं द करेक्ट आंसर इज फोर इट डिपेंड्स ऑन द इंप्लीमेंटेशन राइट ये कैसे होगा ये प्रायोरिटी क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वेरियस डेटा स्ट्रक्चर सच एज हीप्स एंड द रिमूवल ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी स्कीम डिफाइंड आप कौन सी स्कीम को फॉलो कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है लाइक इन मैक्स हीप द लार्जेस्ट एलिमेंट इज रिमूव फर्स्ट वाइल इन मीन हिप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज रिमूव फर्स्ट राइट हम लोग मैक्स हिप और मीन हिप के बारे में पढ़े हैं ना मिनिमम हिप में क्या होता है कि जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको सबसे पहले रिमूव करके हटाता है और मैक्स हिप में जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव करके हटाता है तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो उस बेस पे ये इंप्लीमेंट करता है हमारा प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू क्यू राइट का यूज हम लोग किस में करते हैं मैक्स हिप और मीन हिप इंप्लीमेंट करने में भी हिप इंप्लीमेंटेशन में भी करते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मैक्स हिप को इंप्लीमेंट करने के लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो तो किसको करते हैं हम लोग प्रायोरिटी क्यू को आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ऐसा है है? जिसका best average case time complexity होता बबल शॉर्ट सेलेक्शन मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट जिन्होंने जो सही कर रहे हैं वो प्लस वन ले लेंगे आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं द करेंट करेक्ट आंसर इज मर्सॉट मर्सॉट है कंसिस्टेंट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है इसका एन लॉग एन होता है ठीक है रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट डेटा इनिशियल ऑर्डर ऑन द अदर हैंड बबल सॉर्ट सेलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट हैव द एवरेज कितना होता है एन स्क्वायर होता है तो इसलिए एवरेज एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो merge sort का ही सबसे अच्छा होता है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि bubble sort, selection sort, sort का एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है इन स्क्वायर राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द टिपिकल टिपिकली डन टू हैंडल दिस होगा कि एक है दो दो कोलाइड कर रहा है मतलब वन को भी इसमें आना है रिजल्ट कुछ ऐसा आया और थ्री का भी इसी में डिफरेंट कीज डिफरेंट कीज एक ही में आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इग्नोर द कोलिजन एंड प्रोसीड विद द अदर ऑपरेशन ऐसा करेंगे कि हम लोग को छोड़ ही देंगे और चार से अपना काम करना शुरू करेंगे जैसे है, हम यहाँ पर थ्री कर देंगे या फिर यूज लीनियर प्रोविंग प्रोविंग टू फाइंड अवेलेबल स्लॉट हम लोग इस पर लीनियर प्रोविंग लगाएंगे और नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट इसके लिए कौन सा खाली है वो लगाएंगे या रिसाइज द टूर साइज टेबल टू लार्जर साइज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट स्लॉट भी नहीं खोजेंगे और टेबल को रिसाइज कर देंगे कौन सा ऑप्शन है प्लस अगर आप सही करते हो, तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं द करेक्ट आंसर इज थ्री यूज लीनियर प्रॉबिंग टू फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट विन कॉलिजन अकर्स लीनियर प्रॉबिंग और अदर कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स इज यूज टू फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट इन दैस टेबल राइट ok next question is in bfs if breadth first search is performed on an undirected data with n vertices and m edges what is the worst case time complexity of the bfs n m and plus m yeah n into m

Algorithm. Sabse best time bubble sort algorithm go use kanika when the list is already sorted in ascending order. When the list is sorted in descending order, when the list contains a mix of positive and negative integers, when the list is unsorted and the elements are unique. Okay? Take your time and give me the answer. Okay, now ma match from the explanation. The correct answer is 1.

एन एलिमेंट्स है तो आपको मिनिमम मीन हिप में कितना टाइम लगेगा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने में as we know, क्या होता है में सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वही हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन अ मीन हिप द मिनिमम एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड एट द रूट सो फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट वन रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट टाइम्स एज इट

इन डेप्थ फॉर सर्च एल्गोरिथम एक्सप्लोर अ फार एज पॉसिबल अलॉन्ग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग बैक ट्रैकिंग करने से पहले ये पूरे ब्रांच को विजिट करता है दिस बिहेवियर कैन बी इजली इंप्लीमेंटेड यूजिंग टू कीप ट्रैक ऑफ द नोट टू बी विजिटेड ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गोरिथम हैज द बेस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सा ऐसा शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका बेस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्विक शॉर्ट मर्सॉर्ट बबल शॉर्ट या सेलेक्शन शॉर्ट कौन सा ऐसा शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका बेस्ट वर्स केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा क्विक सॉट मर्सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सेलेक्शन सॉर्ट। <coughs> इसके पहले हम लोग देखे थे बेस्ट एवरेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम लोग देख रहे हैं बेस्ट वर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्वेश्चन चेंज हैॉग एन विच इज बेटर देन वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट एन स्क्वायर बबल सॉर्ट एन स्क्वायर

कौन सा ऐसा बाइंडी सर्च ट्री का ट्रेवर्सल uh, मेथड है जिसमें नोड को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में वो विजिट करता है जैसे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में पोस्ट ऑर्डर में इन ऑर्डर में और लेवल ऑर्डर में करेक्ट आंसर है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इन एन इन ऑर्डर ट्रेवल्सल ऑफ अ बाइंडी सर्च ट्री द नोट आर विजिटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कीज विच मेक्स इट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग द एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर ओके

फॉर फाइंडिंग दॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ विज एंड ई एजेस अगर वी नंबर ऑफ वर्टिज है और नंबर e ऑफ है ठीक है तो डिस्कास्टर एल्गोरिथम में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए कौन सा मतलब आपको व्हाट इज द क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा आंसर दीजिए आई एक्सप्लेनेशन देखते हैं ई प्लस बी लॉग बी

फंक्शन एट का वैल्यू क्या होगा ये सेम क्वेश्चन जो है रिकर्सन रिकर्सन जो हम लोग सबसे पहला सॉल्व किए वो रिकर्सन चैप्टर से है रिकर्सन टॉपिक से है क्या कर रहा है फंक्शन एंड एन है इफ एन इक्वल्स इक्वल्स टू वन रिटर्न जीरो एल्स हमारा ये फंक्शन चलता रहेगा जब तक एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन नहीं होगा तब तक रिटर्न जीरो नहीं होगा एल्स ये फंक्शन चलते रहना है रिकर्सन का डिफिनीशन ही यही था कि एक फंक्शन को बार बार स्ट्राइक करते रहना है जब तक कि हम किसी ऐसे सॉल्यूशन पे ना पहुंच जाए ऐसे वैल्यू पे ना पहुंच पाए जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए टू फाइंड द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन एट वी नीड टू ट्रेस द फंक्शन बाय रिकर्सिवली अंटिल द बेस केस इज रेस्ड फंक्शन एट है सिंस एट इज नॉट इक्वल टू वन वी मूव हम लोग क्या करेंगे ये वाला अप्लाई uh, कर देंगे क्योंकि यही तो एल्थ पार्ट में दिया हुआ रिटर्न वन प्लस फंक्शन एट बाई टू अब क्या करेंगे फिर एट बाई टू क्या हो गया फोर हो गया तो फोर पे क्या करेंगे फोर इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो फंक्शन फोर बाई टू फिर हम लोग क्या करेंगे वन फन टू बाई टू फिर टू बाई टू किए वन फिर फंक्शन वन अब एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन हो गया तो हमारा क्या हो गया रिटर्न जीरो अभी क्या करेंगे हम वन प्लस फंक्शन एट इक्वल्स टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इसका जो वैल्यू है देखते आइए फंक्शन वन प्लस फोर फिर यहाँ पे वन प्लस दिस एंड बैक ट्रैक करेंगे तो क्या होगा वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू थ्री तो हमारा रिटर्न वैल्यू होगा थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग सी स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नोड इन डेटा स्ट्रक्ट नोड इनटू नेक्स्ट ये आपका Snippet दिया हुआ है और बोल रहा है सपोज दैट वेरिएबल पी पॉइंट टू द फर्स्ट नोड पी पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग सी एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड द थर्ड नोट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट थर्ड नोट पहुंचने के लिए हम लोग कौन सा मेथड को यूज करेंगे पी नेक्स्ट 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 पी नेक्स्ट नेक्स्ट

देखिए, ये तीन बार विजिट करेगा। बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट तो आंसर तो यही हो गया लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम समझते हैं पी नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्या करेगा दो ही बार जाएगा सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा फिर क्या है दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट डी रिफरेंस द पॉइंटर पी

तो आप इसमें से क्या होगा आंसर वो बताइए और ऑनेस्ट आंसर देना है क्वेश्चन सॉल्व करके देना है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एवियल ट्री विथ एट नोट एज्यूम दैट द हाइट ऑफ अ ट्री विथ सिंगल नोट इज जीरो ठीक है है थर्ड क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग बाइंड्री ट्री कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द नोट इन अ बाइंड्री ट्री सोन तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप देंगे और प्रॉपर सॉल्व करके दीजिएगा ठीक है किस तरीके से आपने किया है तो आज का बस इतना ही वीडियो है कहीं कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो जरूर पूछिए और फिर आते हैं दूसरा मैराथन लेकर के और जिन्होंने वेब टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग और और भी जो सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो आया है वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके विजिट कीजिए कुछ भी स्किप मत कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं ठीक है थैंक यू बाय